नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड जीके के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए झारखंड जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे, झारखंड की प्रमुख नदियां। इनसे आपके आने वाली परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके सारे प्रश्नों को ऐड किया है। उन्हीं क्वेश्चन के जरिए एक एक नदी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, उनके उद्गम स्थान से लेकर के उनके मुहाना तक किन किन क्षेत्रों से होकर के ये बहते हैं और कौन कौन से सहायक नदी उनसे आकर के मिलते हैं, इन सारी जानकारियों को देखेंगे। इस प्रकार से मैंने इस पार्ट को, इस लेसन को अरेंज किया है कि आपको भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सारे ही सवाल आपके माइंड में सेट हो जाए, एक एक नदियों के बारे में आप डिटेल में जानकारी रख सकेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है वो छूट ना पाए। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, अर्थात कि झारखंड की वो कौन सी नदी है जो कि वर्षा पर डिपेंड नहीं करती है। सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी या फिर संघ नदी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन नदी। सोन नदी झारखंड की एक ऐसी नदी है जो कि सादानीरा नदी है, पूरा वर्ष भर बहती है और ये वर्षा पर डिपेंड नहीं करती है। सोन नदी से संबंधित जो भी जानकारियाँ हो सकती है मैंने इसे ऐड किया है नीचे, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, इनसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थान है याद रखेंगे वो झारखंड में नहीं होता है बल्कि मध्य प्रदेश में होता है, मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। इसे याद रखेंगे, इससे बहुत अधिक प्रश्न बनता है और इसमें बहुत स्टूडेंट नहीं जानते हुए इसे तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं कि झारखंड की नदी है अर्थात कि झारखंड से ही इसका उद्गम हुआ होगा। लेकिन याद रखेंगे इसका जो उद्गम स्थान है वो झारखंड में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में है, मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी में। इसका जो मुहाना है वो गंगा नदी है, अर्थात कि ये गंगा नदी में जाकर के समाप्त हो जाती है। कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र की बात करें तो 9030 किलोमीटर इसका अपवा क्षेत्र है। सहायक नदियों के बारे में याद रखेंगे, उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदी है और इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। अपवा क्षेत्र पलामू एवं गढ़वा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है जेपीएससी 2016 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी किन क्षेत्रों से होकर के बहती है, किन जिलों से होकर के बहती है। तो याद रखेंगे ये झारखंड के दो जिलों से होकर के बहती है, पलामू एवं गढ़वा। तो सोन नदी के संबंधित इन जानकारियों को भी आप याद रखेंगे ताकि आपकी परीक्षा में अगर क्वेश्चन बने तो आप उसे सही करके आ सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल है। उत्तरी कोयल अभी हम लोगों ने पढ़ा सोन नदी का एक सहायक नदी है, तो इसका उद्गम स्थान कौन सा है, रांची पठार का मध्य भाग, मेकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी या फिर ऑप्शन सी है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, ऑप्शन डी है त्रिकुट पहाड़। तो याद रखेंगे उत्तरी कोयल नदी जो है इसका उद्गम स्थान रांची के पठार के मध्य भाग से होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रांची पठार का मध्य भाग। इससे संबंधित जानकारियों को हम लोग देखते हैं, इसके उद्गम के बारे में हम लोगों ने जाना, रांची पठार का मध्य भाग। इसका जो मुहाना है वो सोन नदी है, सोन नदी में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। कुल लंबाई के बारे में याद रखेंगे 260 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ हैं औरंगा एवं अमानत नदी। अपवाह क्षेत्र है गढ़वा, पलामू और लातेहार, अर्थात कि पलामू प्रमंडल के जो भी तीन जिले हैं उन तीनों ही जिलों से होकर के ये जो नदी है उत्तरी कोयल नदी ये बहती है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी या फिर दक्षिणी कोयल नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। झारखंड की जो सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी है वो दामोदर नदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको जानते हैं। इनका उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार से होता है जो कि लातेहार जिले टोरी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। टोरी क्षेत्र याद रखेंगे, छोटा नागपुर पठार का टोरी क्षेत्र जो कि लातेहार जिला में पड़ता है, यहाँ से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। इसका मुहाना याद रखेंगे हुगली में, पश्चिम बंगाल में, जो हुगली नदी है जो कि गंगा नदी का ही एक भाग है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट को हुगली नदी कहा जाता है, तो उसी हुगली नदी में जाकर के ये मिल जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 592 किलोमीटर है। अगर झारखंड में इसकी लंबाई पूछी जाती है तो 290 किलोमीटर है। इसका जो अपवाह क्षेत्र बनता है वो 12,000
800 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। सहायक नदियां याद रखेंगे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, 5 सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो, कोनार, जामुनिया और कतरी। ये 5 सहायक नदी बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे पूछा जा सकता है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि दामोदर नदी का कौन सा सहायक नदी है नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन गलत होगा तो आपको चूज करना है। तो उसके लिए आपको जानना है कि जो दामोदर नदी है उसका सहायक नदी कौन कौन से हैं, तो 5 सहायक नदी प्रमुख है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। इनका नाम याद रखेंगे बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी। इनसे संबंधित अगर डिटेल में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इससे पहले ही मैंने दामोदर नदी के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका था, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, वीडियो के अंत में जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, पहले ही वीडियो डाल चुका था, आप डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन सा सहायक नदी कहाँ पे आकर के इस नदी से मिलती है। अपवाह क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं, 7 जिलों से होकर के बहते हैं, याद रखेंगे हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। इन 7 जिलों से होकर के जो दामोदर नदी है ये बहती है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके जो उपनाम है इसे भी याद रखेंगे। सबसे अधिक पूछा जाता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि हर साल दामोदर नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आ जाता है जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है सुवर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी या फिर दक्षिणी कोयल नदी। अभी हम लोगों ने बात किया झारखंड की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो दामोदर नदी है, ठीक है। और इसका उद्गम स्थान मैंने बताया कि लातेहार में है, इसे आप याद रखेंगे। इसका मुहाना याद रखेंगे, हुगली में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे बहुत अधिक बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है कि झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी या फिर शंख नदी। तो याद रखेंगे स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, किसी भी अन्य नदी में ये नहीं गिरती है बल्कि स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। इनका जो उद्गम है याद रखेंगे रांची के नगड़ी गाँव से हुआ है, ये उद्गम के बारे में क्वेश्चन बनता है, तो इसे याद रखेंगे। मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है। कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। सहायक नदी है काकरो, कांची और खरकई नदी। याद रखेंगे कांची नदी में ही दशम जलप्रपात बना हुआ है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और स्वर्णरेखा नदी से भी अगर पूछा जाता है तो स्वर्णरेखा नदी पे कौन सा जलप्रपात बना है, हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसे भी याद रखेंगे। कांची नदी पे दशम जलप्रपात बना है। और एक नदी आता है स्वर्णरेखा नदी का ही सहायक नदी है राडू नदी, उसमें जोन्हा जलप्रपात बना हुआ है, उसे भी आप याद रखेंगे। अपवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम में बहता है, और ये जब सरायकेला खरसावां में प्रवेश करता है तो वहाँ पर चांडिल डैम का निर्माण करता है, उसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चांडिल डैम का निर्माण जो है वो कौन सा नदी करता है। तो याद रखेंगे चांडिल डैम का जो निर्माण करता है वो भी स्वर्णरेखा नदी ही करता है। स्वर्णरेखा नदी को सुवर्ण रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो रेत होते हैं उसमें सोने के अंश प्राप्त होते हैं, ठीक है। रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, मैंने इसे बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, रजरप्पा जलप्रपात स्थित है दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर, सोनरेखा नदी पर, घाघरा नदी पर या फिर शंख नदी पर। तो राजरप्पा जलप्रपात स्थित है, याद रखेंगे दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर राजरप्पा जो नदी जलप्रपात है वो स्थित है। राजरप्पा से संबंधित याद रखेंगे, राजरप्पा टेम्पल के बारे में पूछा जाता है, राजरप्पा टेम्पल, राजरप्पा का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, वो झारखंड के जो रामगढ़ जिला है वहाँ पर स्थित है, इसे आप याद रखेंगे, इससे प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें नदी और जलप्रपात का सम्मिलन दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है, अर्थात कि कौन सा युग्म मैच नहीं करता है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, जोन्हा जलप्रपात राडू नदी पर बना हुआ है, दशम जलप्रपात कांची नदी पर बना है और लोध जलप्रपात बराकर नदी पर बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोध जलप्रपात जो है ये बराकर नदी पर नहीं बना हुआ है बल्कि कि लोध जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना है, जोन्हा जलप्रपात राडू नदी पर बना है जो कि स्वर्णरेखा नदी का ही एक सहायक नदी है,
और दशम जलप्रपात कांची नदी पर बना हुआ है जो कि स्वर्णरेखा का ही एक सहायक नदी है। लेकिन जो लोध है, ये लोध जलप्रपात जो है ये बराकर नदी पर नहीं बना हुआ है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोध जलप्रपात जो है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसे बूढ़ागाग या फिर लोधागाग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। इसकी ऊँचाई अगर पूछा जाए तो 143 मीटर है। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये उत्तरी कोयल नदी पर बना हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा नदी जो है वो पाट क्षेत्र से होकर के निकलती है। शंख नदी, सोन नदी, दामोदर नदी या फिर स्वर्णरेखा नदी। तो याद रखेंगे शंख नदी ऐसी नदी है जो कि पाट क्षेत्र से निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शंख नदी। ठीक है, शंख नदी से संबंधित हम लोग जानते हैं इनकी जानकारी। इनका जो उद्गम स्थान है वो चैनपुर गुमला में हुआ है। इनका मुहाना दक्षिणी कोयल नदी में जाकर के ये मिल जाती है। कुल लंबाई जो है 240 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र जो है ये गुमला जिला में बहती है। इन चारों ही जानकारियों को याद रखेंगे। कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? संक नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। उद्गम कौन सा है? गुमला चैनपुर में है। मुहाना है दक्षिणी कोयल नदी। कुल लंबाई है 240 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र है गुमला नदी। तो इनको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पारसनाल की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट स्थित है? स्वर्णरेखा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, कोयल नदी घाटी या फिर बराकर नदी घाटी। तो पारसनाथ की पहाड़ी याद रखेंगे झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? पारसनाथ की पहाड़ी है, इसे याद रखेंगे। ये जो पहाड़ी बनी हुई है और ये पहाड़ी बना हुआ है बराकर नदी घाटी पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बराकर नदी घाटी। इससे बहुत अधिक प्रश्न बनता है, ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। बराकर नदी के बारे में जान लेते हैं। बराकर नदी का जो उद्गम है वो छोटा नागपुर के पठार से ही होता है। इनका मुहाना है दामोदर नदी में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। कुल लंबाई जो है ये 225 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद तीन जिलों से होकर के बहती है, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी है? आपको बताना है कि कौन सा नदी एक ऐसा नदी है जिसमें नौका चलाया जा सकता है, अर्थात कि नौका गम्य नदी के रूप में हम लोग उसे जानते हैं। सोन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मयूराक्षी नदी। ये भी क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और इस क्वेश्चन को झारखंड के हर एक जो एग्ज़ाम है उसमें रिपीट किया जाता है। ठीक है, हो सकता है इसका जो आने का चांसेस वो 80% है और ये आपके आने वाले परीक्षा में छप सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे कौन सी झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है वो है मयूराक्षी नदी, इसे आप याद रखेंगे। इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हो सकती है उनको हम लोग देखते हैं। मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थान है वो त्रिकुट पहाड़ में है जो कि देवघर में पड़ता है। इसका जो मुहाना है हुगली में जाकर के, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये हुगली में जाकर के जो मयूराक्षी नदी है वो समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है, इसे याद रखेंगे। सहायक नदियाँ घोवाई, टिपरा और भामरी, ये तीन प्रमुख सहायक नदी है और इससे प्रश्न बन सकते हैं। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, ये जो चार जिले हैं इनसे होकर के मयूराक्षी या फिर जिसे मोर नदी भी कहा जाता है बहता है। कौन कौन सा जिला है? दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा, ये चार जिलों से होकर के मयूराक्षी नदी बहती है। इसका जो उपमान है, उपनाम है, इसे मोर नदी है। कहीं कहीं आपको मोर नदी लिखा हुआ मिल सकता है तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। मोर नदी और मयूराक्षी नदी दोनों ही एक ही नदी का नाम है। नेक्स्ट है विशेषता, इसका जान लीजिए। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है, अर्थात कि एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें नौका चलाया जा सकता है। तो ये सारे जो जानकारी थी ये मयूराक्षी नदी से संबंधित थी, तो इन जानकारियों का आप याद रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे ताकि मुझे पता चले कि इस प्रकार का सीरीज़ मैं आपके लिए लाऊँ या फिर ना लाऊँ। इसी प्रकार अगर आप झारखंड के संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एडुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हर एक प्रकार के प्लेलिस्ट वहाँ पे बने हुए। झारखंड के इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड से संबंधित जो भी MCQ प्रश्न है, करेंट अफेयर्स, क्षेत्रीय लेवल से संबंधित आप वीडियोज़ हमारे चैनल में देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी
नया वीडियोस इस चैनल में अपलोड होंगे जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होंगे, उनका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच जाएगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।